ये नकली आंसू देख के ये हर बात पिघल जाते हैं. सच सच बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? बोलते क्यों नहीं, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मैं वो मेरे साथ, मैं नहीं बता सकती. मथुरा, शक करना बंद कर. रश्मि ने मुझे कुछ चीजें बताई हैं जो मैं सबके सामने नहीं बता सकती. पीजी, इस बात को यूं ही मत जाने दो. ये कोई मामूली बात नहीं है. आपको क्या पता कि जो ये कह रही है वही सच है? क्या सबूत है आपके पास? हमें इस घर से अलग करने में ना इसी लड़की का हाथ है. ये बात मुझे साफ साफ नजर आ रही है, पर पता नहीं आप लोगों को क्यों नजर नहीं आती. मथुरा, हमें इस घर से अलग करने में ना इसी लड़की का हाथ है. इसी लड़की का हाथ है. इसी लड़की का हाथ है. पीजी कहाँ है? कहाँ? पीजी, पीजी कहाँ चली गई? पीजी, 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 पीजी बीजी कहाँ है आप? बीजी, 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 बीजी मिले? बीजी, 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 बीजी. सब कुछ तो छूट गया है. आपके सिवा हमारे पास बचा क्या है? आप भी हमें छोड़ देंगे? एक जमाना था, देवल परिवार पूरे गांव पर राज करता था. किस्मत ने इन्हें कहां से कहां लाकर पटक दिया. आज की रात इनके सर पर छत होगी या नहीं पता नहीं.
देखो सैम, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। आई मीन आयशा, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवल परिवार की 100 साल पुरानी हवेली की नीलामी की कार्रवाई अब थोड़ी ही देर में शुरू की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक आलीशान हवेली है और इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के नामी रईस यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे आशा है कि हवेली की ज्यादा से ज्यादा कीमत आ की जाएगी। इस हवेली की मजबूती कमाल की है, तो हाजरान कदरदान जो इस हवेली की बोली लगाएगा, I'm sorry, तो खुशकिस्मत इंसान होगा। अभी ये गाड़ी भी नीलाम होगी। आगे बढ़िए और दिल खोल कर बोली लगाइए। ये 100 साल पुरानी हवेली आपकी हो सकती है। आपको इसे पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। आगे बढ़िए और दिल खोल कर बोली लगाइए। एक मिनट साथियों, आपको याद दिला दूं कि पूरे पंजाब में इस हवेली का कोई जोड़ नहीं। इनका दाम तुम्हें लगाएंगे ना? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आप भी बेहतर होगा वहीं बैठे। वैसे सारा काम हो जाने के बाद कागजात पे दस्तखत भी आप ही को करना होगा। आइए ये नजारा भी देख लेते हैं। इसकी मजबूती कमाल की है और इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 बेडरूम्स हैं। एक 90x60 का बड़ा सा हॉल है। एक किचन, सर्वेंट क्वार्टर्स, बागीचा, स्विमिंग पूल, क्या नहीं है इसमें। जो शख्स इस हवेली को खरीदेगा वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होगा। तो साथियों, इस हवेली की सरकारी बोली लगाई गई है 60 लाख रुपए। सिर्फ 60 लाख रुपए? दिल खोल कर बोली लगाइए, क्योंकि 60 लाख रुपए तो इस हवेली के लिए कौड़ियों का मोल है। तो लगाइए। 35 लाख? सिर्फ 35 लाख? अरे चड्डा साहब, आप इस हवेली की कीमत लगा रहे हैं या किसी टूटे फूटे मकान की? बापे, ये पुरानी हवेली है, इसे शुरू से ऊपर तक बनाना पड़ेगा। ये हमारा घर तोड़ देगा। पैतालीस लाख सिर्फ 45 लाख? कमाल कर रहे हैं आप लोग, तो मालगाड़ी की रफ्तार से चल रहे हैं। भाइयों, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। राजधानी वाली रफ्तार पकड़िए। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इस हवेली में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 बेडरूम्स हैं। अरे भाई, 6 बेडरूम का मैं क्या करूंगा जबकि बीवी मेरी एक ही है। मेरी रणधीर की तरह 2-2 बीवियां तो नहीं है ना। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और ऑक्शन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने दीजिए। 45 लाख, क्या बात है? है कोई माई का लाल जो इससे आगे बढ़े? 60 लाख 60 लाख 60 लाख! शाबाश चड्डा साहब, थोड़ा और जोर लगाइए। हो सकता है कि हवेली आप ही की हो जाए। फिर आज की मिठाई भी हम आप ही की दुकान पे खाएंगे। 60 लाख! आगे बढ़िए। 60 लाख! 60 लाख की बोली को आगे बढ़ाइए। अरे गिल साहब, ग्रोवर साहब, सोच क्या रहे हैं? इस मौके को हाथ से मत निकलने दीजिए। आगे बढ़िए, बोली लगाइए। लगता है नीलामी को आज के दिन के लिए रोक देनी चाहिए। कुछ देर और देख लेते। क्या देखेंगे, कोई ज्यादा बोली लगाने वाला आया ही नहीं है। तो देवल साहब से पूछो, बाकी ये पैसे कहाँ से लाएंगे। ठीक है मिस्टर देवल, हम लोग 60 लाख तक तो पहुंच चुके, और बाकी के 40 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? ये लीजिए मेरे गहने। इन्हें बेचकर जो भी मिले वो मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज।
अब तक की सबसे बड़ी बोली आई है 60 लाख रुपए, और ये 60 लाख रुपए लगाए हैं चड्डा स्वीट्स के मालिक अनिल कुमार चड्डा जी ने। लेकिन बैंक का पैसा अभी भी पूरा नहीं होता है, और जो ये जेवरात आए हैं इनकी कीमत भी 15 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर देवल, अगर रकम पूरी नहीं हुई तो आपको जेल भी हो सकती है। तो साथियों, है कोई ऐसा माइका लाल जो देवल साहब की मदद के लिए सामने आए? तो है कोई ऐसा जो देवल परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाले? 60 लाख से आगे बढ़ने वाला कोई है? 60 लाख 1, 60 लाख 2। एक करोड़। मुझे तो ये कोई पागल नजर आता है, पुरानी खंडर का 1 करोड़ रुपए दे रहा। सचमुच बेवकूफ है, 1 करोड़ रुपए इससे शहर में अच्छी से अच्छी कोठी मिल जाएगी। फिर 1 करोड़ में मुझे शहर की कोई भी कोठी मिल जाती है, पर मुझे किसी भी शहर की कोई कोठी नहीं चाहिए। यही हवेली चाहिए किसी भी कीमत पर। 1 करोड़ में तो मुझे बहुत सस्ती पड़ी। एक थप्पड़, 1 करोड़। अगर मुझे पता होता कि मदन खुराने की औलाद इतनी कमीन थी, तो मैं तुम्हें अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। नक्के रहा तुम बिफोर आई किल यू। लोगों को मारने का बहुत एक्सपीरियंस लगता है आपको। खैर, आपके घर की नीलामी देखकर काफी मजा है। Quite interesting. I hope I entertained you. 1 करोड़। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बोली लगाएगा। So let's close the deal. रणधीर देओल की इज्जत, मैं समय खुराना 1 करोड़ में खरीदता हूं। तुम मेरी इज्जत खरीदेगा? तू मेरा घर खरीदेगा? सुनिए, तू खरीदेगा मेरा घर? तू खरीदेगा मेरी इज्जत? प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज कमाइए। इडियट्स, 40 लाख और 1 करोड़ में फर्क नहीं समझते। लोग समझते हैं मैं पागल हूं। ये हवेली 1 करोड़ में खरीद रहा हूं, कुछ नहीं समझते। नहीं चाहता था कि उनके गहने बिके। अगर अभी पीछे हट जाऊं तो क्या करेंगे? खुद बिक जाएंगे या घर बिक जाएगा, फिर भी कर्ज चुकाएगा नहीं। वैसे एक ऑफर है मेरे पास, जब तक आप लोगों को कोई और घर नहीं मिल जाता, आपके घर की औरतें यहीं रह सकती। कमीने! कमीने! तुम अपने दिन गिनना शुरू कर। वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, ये दुनिया बदल जाएगी, लेकिन मैं इस पल को, इस मोमेंट को याद रखूंगा। तेरी हर मुस्कान का, तेरे हर लफ्ज का बदला लूंगा मैं। और जहां तक के इस घर की औरतों को यहां रखने का सवाल है, तेरे पास तो दुनिया की कोई भी औरत महफूज नहीं, यहां तक के वो भी
जिसने तुझे जन्म दिया है। चुप रहिए आप दोनों, कागज तैयार है, वहां जाइए और साइन कीजिए प्लीज। Congratulations, Mr. Sir. आज से इस घर के नए मालिक आप। Congratulations. मेरे घर का ख्याल रखना, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए मैं दोबारा यहाँ आऊंगा और उस दिन आप मुझे यहाँ से निकालकर बाहर करेंगे या फिर मुझे बर्बाद कर देंगे। मिस्टर देव, एक बार जो चीज हाथ से निकल जाती है बस निकल जाती है, इतनी आसानी से वापस नहीं मिलती। एक ही सूरत में यह घर आपको वापस मिलेगा, जब समय आपको यह घर लौटाएगा। Till then, dream on. Thank you. जाएंगे कहाँ? बीजी आपको याद है ना, बाबूजी ने आपके नाम से एक छोटा सा कॉटेज लिया था। हाँ, मगर वो घर तो बहुत छोटा है। बीजी छोटा है बड़ा है, कम से कम सर छुपाने के लिए छत तो है। वही चलते।